वहीं नगर निगम दुर्ग द्वारा बीते रविवार को राजेंद्र पार्क में आयोजित किए गए फ्लावर शो को लेकर दुर्ग जिला भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष निमजे ने इसे फिजूल खर्च बताते हुए कहा कि जितना पैसा फ्लावर शो के आयोजन में किया गया उतने पैसे से कुछ वार्डों में विभिन्न विकास कार्य हो गए होते। आइए देखते हैं भाजपा नेता आशीष निमजे से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं शाहिन खान। आज हमारे साथ एक बार फिर आशीष निमजे सर, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और भाजपा के कद्दावर शख्सियतों में भी शुमार हैं। दुर्ग शहर के विकास को लेकर ये हमसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। हम उनसे चाहते हैं कि दुर्ग शहर के विकास को लेकर हमसे कुछ चर्चा करें, कि मंशा इन्होंने जाहिर की थी, तो हम उनसे जानना चाहेंगे दुर्ग शहर को बने, मतलब जो महापौर सरकार को 3 वर्ष पूरे हुए, हाल ही में कल फ्लावर शो भी बहुत अच्छा मनाया गया और शहर सरकार दुर्ग विधायक को 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो विकास कार्यों को किन रूपों में देखते हैं आप? जैसे अगर फ्लावर शो की बात करें तो मैं ये मानता हूँ शहर के विकास के लिए फ्लावर शो होना इसलिए ज़रूरी नहीं था। आपके 3 साल के कार्यकाल में आप पूर्ण तरह से रुक अपने कार्यकाल को देख लीजिए, कई जगह कई मुद्दे बचे हुए हैं जो आपके कार्यकाल में कुछ भी हाथ तक नहीं लगाया गया है कई कार्यों को आज तक। तो फ्लावर शो आज 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। आज उस चाहे तो उसमें कई वार्डों का, कई तालाबों का सौंदर्यीकरण हो जाता, एक सफाई हो जाती। आज अगर 3 साल हो गया है, अगर देखा जाए दुर्ग शहर में कम से कम 5 से 7 तालाब है। एक तालाब तो इनने छू के अछूता कर दिया, अभी तक कम्प्लीट नहीं हो पाया। मगर कम से कम जिसको मैं ठगना रहर बोल रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा था जिसको अछूता कर दिया, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कई दिनों से काम चल रहा है, चल ही रहा है, जो एक दुर्ग के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती थी, लोगों के लिए एक अच्छा घूमने का स्पॉट हो सकता था, मगर उस पर भी खानापूर्ति ही चल रहा है आज तक। मगर मैं कम से कम इस फ्लावर शो के अन सक्सेस के ऊपर से ही बोल रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज़ के लिए 15 से 20 लाख। मैं और एक चीज़ बात भी आकर्षण करना चाहूँगा पब्लिक का, मैं भी खुद फ्लावर से रिलेटेड, मेरा खुद का फ्लावर का बिज़नेस है, उसके बाद मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ। एक फ्लावर शो के लिए 15 से 20 लाख रुपए आप एक इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, उतने में आप अपने शहर के लोगों के लिए प्रभुत्व का अच्छा काम कर देते, तालाबों की सफाई करवा देते, तो मैं नहीं समझता हूँ 15 से 20 लाखों में 4 से 5 तालाबों का जीर्णोद्धार नहीं हो जाता। आज कहीं भी देखोगे, कोई भी तालाबों को झाँकोगे भी तो इतनी बदबदाहट है कि कोई एक जानवर भी नहाने के लिए चले जाता है, इसलिए क्योंकि वो बेचारा बधिर है, कुल मिला के वो बोलता नहीं है। एक इंसान आम आदमी तो उसमें पानी से हाथ भी धोने नहीं जाएगा। ये स्थिति है शहर के पूरे तालाबों की। और मैं क्या बोलूँ, शहर में जितने भी विकास कार्य सब धरातल पे ही है, कागजी पे ही है और कुछ नहीं है। जो भी काम भाजपा के द्वारा उठाए जाते हैं उस चीज़ को लीपापोती करके कमदाम किया जाता है और कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पहले तो विधायक जी थे, 4 साल के कार्यकाल उनका भी समाप्त होने जा रहा है आज, अरुण बोरा जी का। मगर ऐसा लगता था, ये सुना ही आता था कि उनके कारण महापौर जी का कार्यकाल चल रहा है, मगर अब ऐसा लगने लगा है कि उनकी भी कार्यकाल पूरी समाप्त होने पे आ गई है, मगर उनका भी कार्य कुछ तरह से दिखाता नहीं है धरातल पे। आज जितना भी मुद्दा उठाया जाता है बीजेपी के द्वारा, आप देखोगे 15 से 25 दिन के अंदर उस चीज़ों का काम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या उनके संज्ञान में नहीं है? वो क्या जनप्रतिनिधि नहीं है? क्या वो जनता के सेवक नहीं है? क्या जनता के द्वारा चुने नहीं गए हैं? क्या है, आप किस तरह सोचते हो कि जिस तरह आपको जनता चुन के लाई अपने विश्वास के लिए, आप पानी का मुद्दा देख लो, आज जल मिशन योजना, अमृत मिशन योजना अगर देखा जाए, 3-3 टंकी बनी हुई है दुर्ग जिले के अंदर में, आज तक उसका चालू नहीं हुआ है, ये क्या है? आप मानते हैं कि फ्लावर शो नहीं होते हुए दुर्ग शहर का विकास में यह राशि लगना था? मैं तो बिल्कुल यही मानूंगा कि इस परम स्थिति में, जब कि निगम के 2-2.5 महीने पेमेंट नहीं हो रही है, उस कंडीशन में आप 15 से 20 लाख रुपए एक फ्लावर शो में खर्चा कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हो दुर्ग की जनता को? जो उसकी सहूलियत नहीं कर पा रहा है, जो उसकी साफ सफाई और जो मूलभूत चीज़ है, पानी है, मुख्य सड़क है, साफ़ सफाई है, लोगों के आने जाने की व्यवस्था है, उसको नहीं ध्यान दे रहा है, जो मूलभूत जगह है, मूलभूत आवश्यकता है, आप किस तरफ जा रहे हो? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से भी बोलूँगा, विधायक जी से भी बोलूँगा और महापौर से भी बोलूँगा,
कृपया करके, मैं पिछले बयान में भी ये वर्ड बोला था, एक साल का कार्यकाल बच्चा है, कृपया करके जनप्रतिनिधि के लिए कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आपके एक साल में ऐसा हो जाए कि जनता आपको चुन के तो दे सके। इतना अच्छा तो काम करें। दुर्ग शहर में आप समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही आप एक अच्छे भाजपाई भी कहलाते हैं, उन्होंने आपने पार्टी के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। हाल ही में आपने धर्मांतरण को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, रासुका को लेकर अपनी नाराज़गी जताई है, कैसा है ये आपका आरोप और किसी नाराज़गी? मैं इनके लिए तो सबसे पहले हमारे माननीय सीएम साहब, जिनको कक्का के नाम से लोग जानते हैं इस छत्तीसगढ़ में, और ये इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ हमारी राष्ट्रभाषा है, छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासी से लेकर हर वर्ग का इंसान छत्तीसगढ़ी बोलना चाहिए, छत्तीसगढ़ों में भाषा करना चाहिए, छत्तीसगढ़ की खाना खाना चाहिए, ये इनका मूल उद्देश्य था। मेरे को एक चीज़ ये नहीं समझ आ रहा है, जिस तरह का रासुका लगाया गया है, क्या 15 साल हमारे बीजेपी कार्यकाल में क्या ऐसे विज्ञापन जाते थे क्या कि अभी रासुका रिन्यूअल होके आ रहा है? केंद्र से क्या पहले नहीं आता था क्या? क्या रमन साहब ने कभी ऐसा ऐड करवाया क्या? मैं ये माननीय मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहूँगा कि आप ये चीज़ बता के क्या लोगों को डराना चाह रहे हैं, अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, क्या हिंदुत्व को दबाना चाह रहे हो, क्या हिंदुत्व के प्रति जो काम कर रहे हैं उनको डराना चाह रहे हो, क्या आपको ये भय लग रहा है कि बचे हुए समय में हमारी अस्तित्व बिगड़ जाएगा, क्या हिंदुत्व से इनको इतना डर लग रहा है कि ये इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं? एक मिशनरी के लोगों को सपोर्ट करके इस तरह की विज्ञप्तियों को पास आउट किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि रासुका लगा दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है, ये कैसी सरकार है, ये कैसा न्याय है, ये हमें नहीं समझ आ रहा है। हम भी कार्यकर्ता है बीजेपी के, हमने तो कैसी उम्मीद कभी नहीं करी थी, हमारा भी कभी कोई सीएम बनेगा, हमारे भी कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर हम उनसे भी ऐसे कभी उम्मीद नहीं रखेंगे कि इस तरह राष्ट्रद्रोह का कोई काम करे। हम तो ये बोलते हैं इस तरह का कार्य करना, इस तरह का लोगों को भयभीत कराने का काम अगर कर रहे हैं तो हमारे कक्का ही कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम साहब ही करवा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ कोई प्रेस में बताने वाली चीज़ नहीं है कि हम रासुका लगा देंगे। इससे पहले अगर किसी ने, अगर रमन साहब के 15 साल के कार्यकाल में अगर ऐसा कोई है तो एक आध विज्ञप्ति बता दे हमें। दुर्ग शहर के विकास कार्य से हम अचानक धर्मांतरण की ओर निकल पड़े और चर्चा धर्मांतरण को लेकर हमने की। आजकल जगह जगह पर हिंदुत्व को जगाने के लिए जागरूकता लाने वाली बातें सामने आ रही है, क्या हिंदुत्व जगाने के लिए जागरूकता लाना ही जरूरी है? क्या शुरुआत से ही, आदिकाल से ही हिंदुत्व सब में जागरूक नहीं रहा? मैं तो ये बोलूँगा, संस्कार। संस्कार क्या है? हिंदुत्व ही है। अगर माँ बाप अगर संस्कार अच्छा दे 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 तो पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर देवता में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी देवता को मानने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर माँ बाप को पढ़ लो, माँ बाप को अगर समझ लो, माँ बाप के चरण स्पर्श कर लो, पूरे धरती में, पूरे इतिहास में लिखा हुआ है, माँ बाप और गुरुजन से बढ़ के कोई नहीं है, ये मैं मानता हूँ। हिंदुत्व किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, रामायण में सब चीज़ लिखा हुआ है, सब कुछ ठीक है, मगर मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, संस्कार। अगर आपके इसमें संस्कार है तो आपको ज़्यादा मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और संस्कार ही अगर विवेक टाइप मिलेगा तो आपको संस्कार आएगा कहाँ से, हिंदुत्व बढ़ेगा कहाँ से, आपकी भावना कहाँ से बढ़ेगी, क्योंकि संस्कार ही मंदिर का रास्ता है। तो आप ये मानते हैं परिवार वाले संस्कार देने में कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं, तभी हिंदुत्व जगाने की बातें सामने आ रही है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि माँ पिताजी को सबसे ज़्यादा अपने नए पीढ़ी के औलादों को संस्कार देने की आदत डालनी चाहिए। ये मैं एक इस मुद्दे पे बोलना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिस तरह का युग अभी चल रहा है, परिवर्तन का युग, मॉडर्नाइजेशन का युग, ये अपना क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल का युग, तो इस जगह में थोड़ा सा माँ पिताजी को भी मॉडिफिकेशन हो के उस चीज़ों को अपने औलादों पर अच्छी तरह से संस्कार देने के लिए बाध्य होना चाहिए। और मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, अगर कहीं भी कोई दोष होता है तो वो माँ बाप का दोष होता है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि औलाद का कोई दोष, क्योंकि हम जो संस्कार देते हैं वही हमारे औलाद में आती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू। तो ये थे आशीष निमजे सर। राजनीति से बात शुरू होकर धर्मांतरण और उसके बाद संस्कारों तक पहुंची, काफ़ी सारी चर्चा हमने की। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़।